हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल गिम्बल के बारे में। और आज हमारे पास है DJI का ओस्मो मोबाइल 3। फ्रेंड्स, जानते हैं कि गिम्बल होता क्या है। गिम्बल एक तरह का वीडियो स्टेबलाइजर होता है जो कि वीडियोस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इससे आप काफ़ी अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स ले सकते हो और काफ़ी स्टेबल फुटेज ले सकते हो। इसका यूज़ ज़्यादातर YouTube और TikTok के वीडियोस बनाने में होता है। गिम्बल हमें इस बॉक्स में मिलता है, और यहाँ पर हमारा गिम्बल का नेम है ओस्मो मोबाइल 3 और DJI का ब्रांडिंग। और इसी के साइड में देखते हैं तो यहाँ पे भी DJI का ब्रांडिंग दिया हुआ है, और पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर DJI का ब्रांडिंग के साथ में यहाँ पे फोल्डेबल जो है पिक वो दिया हुआ है, और यहाँ पर भी नेम दिया हुआ है। इसी के साथ में अगर इस तरफ देखें तो हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है वो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है। यहाँ पे एक स्कैनर, यहाँ पे QR कोड दिया गया है जो कि DJI मीमो ऐप है, जिससे कि आप फोन को कनेक्ट करोगे वाईफाई के थ्रू, और ये दोनों में सपोर्टेड है। गूगल प्ले, गूगल से भी स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन भी है और आईफोन वर्जन भी है, जो कि ऐप स्टोर मीन्स एप्पल का ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और ये दोनों में सपोर्टेड है। तो अदर गिम्बल में आईफोन सपोर्ट नहीं होता, बट इसमें आईफोन सपोर्टेबल है। इसी के साथ में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, और ऐसा कुछ बॉक्स में और कुछ भी खास नहीं है। तो चलिए फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। ये है एक हमारा छोटा सा पाउच जो कि ओस्मो लिखा हुआ है, और यहाँ पे DJI का ब्रांडिंग दिया गया है। ये पाउच है कैरी करने के लिए गिम्बल को। और इसी के साथ में हमें एक बॉक्स और मिलता है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इस बॉक्स में यहाँ पे देख रहे हैं एक केबल है जो कि आपके फोन को चार्ज करने के लिए है, और आप इससे गिम्बल भी अपना चार्ज कर सकते हैं। तो इस कनेक्टर को साइड में रख देते हैं। इसी के साथ में हमारे पास है कुछ गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें किस तरीके से यूज करना है गिम्बल का। यहाँ पर भी कुछ नोटवर्क दिया गया है, और इसी के साथ में और वैसा कुछ है नहीं खास, बॉक्स खाली है। तो इसके बाद यहाँ पे देखते हैं और भी क्या क्या मिलता है हमें, और यहाँ पे वैसा कुछ खास नहीं देखने को मिलता है। ये एक स्ट्रिपर है जो कि हाथ में फंसाने के लिए गिम्बल को, तो ये भी काफी अच्छा है, कभी गिम्बल गिरेगा नहीं गलती से। और इसी के साथ में ये रहा हमारा मेन DJI ओस्मो मोबाइल 3 गिम्बल, जो कि काफी पोर्टेबल है जैसा कि यहाँ पे डिजाइनिंग दिया गया है। काफी छोटा है, और इसे हम लोग साइज को बड़ा कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा फीचर्स इसमें मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अदर गिम्बल के मुकाबले में यहाँ पे देखने को मिलता है कि काफ़ी स्मॉल इन साइज़ है, जिससे कि आप इजीली कैरी कर सकते हो। सेकंड चीज़ है कि इसमें जो है वो फोल्डेबल सिस्टम नहीं है, और इस गिम्बल में आपको फोल्डेबल सिस्टम मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप इसका जो साइज़ है उसको घटा और बढ़ा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा गिम्बल है। यहाँ पे हमें फोल्डेबल सिस्टम मिल जाता है, और जिसकी वजह से आप इजीली टू कैरी हो सकता है। आप आराम से इसमें पॉकेट में लेके जा सकते हैं, इसका पॉच आता है, पॉच पे लेके जा सकते हैं। तो इजी टू कैरी है और लाइट वेट है। इसका वेट ओनली फॉर 410 ग्राम्स है, जो कि काफ़ी कम है। सेकंड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक छोटा सा फ़ोन होल्डर, जिसमें आपका स्मार्टफोन कनेक्ट होगा, और इसका कैमरा जो है वो रेड एरो के साइड पे होना चाहिए। फ़ोन होल्डर में हमें यहाँ पे एक रबर ग्रिप मिलता है जो कि फ़ोन को प्रोटेक्टेड रखता है, और इस पर फ़ोन पे स्क्रेचेस नहीं आने देता है। अब हमें फोल्ड होल्डर पे अपने स्मार्टफोन को सेटअप करना, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ आईफोन 11। अब हम सेटअप कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से सेटअप कर लेना है। और यहाँ पे जो रेड कलर का एरो है, इस साइड पे कैमरा होना चाहिए। और सेकंड जो चीज़ है, इसमें आपको लेबल करना होगा, फ़ोन को इक्वल में रखना होगा। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन इक्वल में, ये एक तरफ झुकना नहीं चाहिए, किसी भी तरफ इक्वल में होना चाहिए। इसके बाद हमें ये एम बटन यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, इस एम बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, और हमारा गिम्बल हो जाएगा स्टार्ट। और यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसे हॉरिजॉन्टल मोड से वर्टिकल मोड पे कर सकते हो। इस गिम्बल को हमें कनेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि DJI मेमो है। तो इसे प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर चुके हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हमें अपने फ़ोन के ब्लूटूथ को ऑन करना है और वाईफाई को ऑन करना है। तो यहाँ से वाईफाई ऑन कर लेना है और ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है। इसके बाद हमें जाना है अपने कैमरा पे, तो कैमरा यहाँ पे हमारा फ्रंट खुल चुका है, और ये फ़ोन हमारे गिम्बल से कनेक्ट हो चुका है।
और फ्रेंड्स ये जो हमारे पास गिम्बल है ये 3 एक्सिस मोबाइल गिम्बल है। तो यहाँ पे 3 एक्सिस पे मोटर लगा हुआ है, एक फर्स्ट यहाँ पे है, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, तीनों एक्सेस पे मोटर लगा हुआ है जो कि वीडियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जैसा कि आप देख सकते हो। इस गिम्बल में काफ़ी सारे फीचर्स और भी दिए गए हैं जिससे कि आप इस गिम्बल को कंट्रोल कर पाओगे और अपने स्मार्टफोन के जो कैमरा है उस कैमरा का सारा सेटिंग्स आप यहां से कंट्रोल कर पाओगे। सबसे पहले यहां पे हमारे पास एक मोड बटन मिलता है, मोड बटन और पावर बटन दोनों एक साथ में है। तो यहां से इसे जब मैं 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखूँगा तो ये गिम्बल ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखूँगा तो ये गिम्बल ऑन हो जाएगा। इसी के साथ में यहाँ से हम इस फ़ोन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी जो है हॉरिजॉन्टल है और इसको अभी डबल प्रेस, यहाँ पे डबल प्रेस करूँगा तो ये वर्टिकल पे आ जाएगा। वर्टिकल मोड में आप यूट्यूब्स की वीडियो बना सकते हो, व्लॉग के वीडियो बना सकते हो, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोड में आप टिकटॉक के वीडियोज़ बना सकते हो। फ्रेंड्स सेकेंड जो प्रेस बटन है, इस प्रेस बटन से आप वीडियोज़ को स्टार्ट कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप कर सकते हो और फोटोज़ को क्लिक कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे स्मार्टफोन पे हमें डिस्प्ले हो रहा है अभी वीडियो पे है, तो अगर इसको अभी हम लोग एक बार क्लिक करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है फ़ोन पे, और अगर इसको फिर से क्लिक करते हैं तो वीडियो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ अगर आप फोटोज़ में चले जाओगे तो फोटोज़ में आप यहाँ पे फोटोज़ को क्लिक कर सकते हो, जैसा कि अभी फ़ोटो क्लिक हो चुका है। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेटिंग्स पे जा करके यहाँ से इस स्विच से कंट्रोल कर पाओगे। जो हमारे को इस गिम्बल में मिलता है वो एक छोटा सा जॉयस्टिक, और इस जॉयस्टिक से हम लोग सारे एक्सेस को कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कि अगर अप करते हैं तो ये डाउन होगा, अगर डाउन करते हैं तो ये अप होगा, और इसे अगर लेफ़्ट करते हैं तो ये राइट होगा और राइट करते हैं तो लेफ़्ट होगा। तो यहाँ से आप डायरेक्शन को इस जॉयस्टिक के थ्रू भी कंट्रोल कर पाओगे। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट जॉयस्टिक है। एक पावर इंडिकेटर मिलता है जो ग्रीन कलर का आप इंडिकेटर देख रहे हो, अगर आपका गिम्बल ऑन रहेगा तो वो ग्रीन कलर का इंडिकेटर शो करेगा, और इसी के साथ में यहाँ पे आपका चार्जिंग शो कर रहा है जो कि 3 छोटा-छोटा स्मॉल LEDs लगा हुआ है वाइट कलर का, तो ये पावर शो करता है। अगर आपका बैटरी डाउन होता है तो यहाँ पे 2 ग्लो करेगा, अगर बैटरी फुल रहेगा तो 3 ग्लो करेगा, अगर डिस्चार्ज जाएगा तो 1 ग्लो करेगा। फोर्थ, इस गिम्बल के लेफ्ट साइड में आपको एक स्विच देखने को मिल रहा है जिससे कि आप अपने कैमरा को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये जूम हो रहा है, यहाँ से जूम आउट हो रहा है, तो यहाँ से जूम इन हो सकता है, जूम आउट हो सकता है, जो कि आप हैंड से ही कंट्रोल कर पाओगे। राइट साइड में हमें एक सी पॉट मिलता है जिससे कि हम गिम्बल को चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसी के ऊपर में जस्ट हमें एक मिलता है USB पॉट जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग कर सकते हो। बाकी अदर गिम्बल से काफ़ी अच्छा फीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए वीडियोग्राफी कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपका फ़ोन का जो बैटरी वो डाउन हो जाता है, बट इससे आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली कंटिन्यूसली चार्ज करके इस गिम्बल को यूज़ कर पाओगे। तो इस फीचर्स के लिए 1 लाइक तो बनता है। बैक साइड में हमें एक ट्रिगर मिलता है, और इस ट्रिगर को एक बार टैप करने से आपका फ़ोन किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेगा और ये ऑटोमेटिकली गिम्बल वर्क करेगा उसको ट्रैक करके। तो चलिए देखते हैं, अभी मैंने कैमरामैन को देख रहे हैं, आप वो मूव कर रहा है पर फ़ोन ट्रैक नहीं कर रहा है, और अभी हम लोग कैमरामैन को ट्रैक करने वाले हैं। तो यहाँ पर कैमरामैन को हमने ट्रैक कर लिया है, और अब देख रहे हैं कैमरामैन जैसे जैसे मूव कर रहा है वैसे वैसे गिम्बल ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छा फुटेज दे रहा है। यहाँ पे गिम्बल को ऑपरेट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है और ऑटोमेटिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक करके और काम करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स मिलता है जो कि अदर गिम्बल में हमें देखने को नहीं मिलता है। सेकेंड टाइप करने पे यहाँ पे हम जब डबल टैप करेंगे तो ये कैमरा अपना परफेक्ट पोजिशन पर आ जाएगा। ट्रिगर को अगर 3 बार टैप करते हैं तो हमारा फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा चेंज होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ट्रिपल टैप करने से हमारा ये बैक कैमरा चला गया, और उसके बाद फिर ट्रिपल टैप करने से ये फ्रंट कैमरा आ गया। तो ये कुछ इस तरीके से चेंज होता है। इस गिम्बल का चार्जिंग टाइमिंग है 3 आवर्स, और इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलने वाला है 12 to 13 आवर्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है। सबसे लास्ट में हमें नीचे की तरफ एक ट्राइपॉड अटैचमेंट मिल जाता है जिससे कि आप किसी भी तरह के ट्राइपॉड को इसमें कनेक्ट करके और इसे होल्ड कर सकते हो। ट्राइपॉड की हेल्प से आप गिम्बल को इस तरीके से होल्ड कर सकते हो। तो देखते हैं इस गिम्बल से सिनेमेटिक शॉट्स और वीडियो स्टेबलेशन।
फ्रेंड्स, इस गिम्बल को मैंने अमेज़ॉन से बाय किया है 12,000 में। तो अगर आपको बाय करना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कैसा लगा गिम्बल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।